स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोशिका। तो कोशिका के बारे में हमने यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ा, प्रोकेरियोटिक कोशिका, उसके बाद में प्लांट सेल का डायग्राम बनाया अपन ने, और जो एनिमल सेल जो है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब सबसे पहले जो कोशिका के भागों की बात करेंगे यहाँ पे, तो कोशिका के भाग में जो सबसे पहले आएगा वो अपन कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो संरचना है वो किसके बारे में, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला भी इसी को कहा जाता है। जीवद्रव्य कला भी किसको कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य कला। अगर इसकी और बात करते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो क्या होती है, चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ये क्या होता है, चयनात्मक अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इंपॉर्टेंट करेक्टर इसका, तो अर्ध पारगम सेमी परमिएबल और चयनात्मक जो है, यहाँ पर ये चयनात्मक का क्या मतलब होगा और अर्ध पारगम झिल्ली का क्या मतलब है वो देखते। अर्ध पारगम का मतलब तो क्या होता है, कोशिका झिल्ली जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र। तो उन छिद्रों के माध्यम से कोशिका में पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो जिन अणुओं का आकार उन छिद्रों से छोटा होगा वो तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और जिनका बड़ा होगा वो पास नहीं होंगे। सपोज करो ये कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली में क्या उत्पन्न है, छोटे छोटे छिद्र हैं ये। अब देखो यहां पर ये जो है इस तरीके से पदार्थ है, मान लो तो अर्ध पारगम का मतलब तो क्या होगा, जैसे मान लो ये अणु जो है ये इससे होकर छिद्र से होकर कहां जाए, ये तो अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो बाहर से कहां आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इस कंडीशन में तो ये तो क्या कहलाए, कुछ पदार्थ जो है अर्थात जो छिद्र में से आसानी से पार हो जाते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, जो ये क्रिया क्या कहलाए, अर्ध पारगम्य कहलाएगी। ये क्या होगी, अर्ध पारगम्य। चयनात्मक की बात करते हैं तो यहाँ पर कोशिका क्या होती है, पदार्थों का चयन करती है, अर्थात जो कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको अंदर आने देगी और जो कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ नहीं होते हैं उनको अंदर नहीं आने देगी, चाहे वो आकार छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इस कंडीशन में जैसे मान लो कि ये है, ये मान लो इस छिद्र से बड़ा आकार, अब कोशिका के लिए ये आवश्यक पदार्थ है, तो ये क्या करेगी, कोशिका इसको एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा इस तरीके से यहाँ पर ये कांच उत्पन्न होगी और ये क्रिया जो है इसके द्वारा ये क्या होगा, इस पदार्थ को अंदर ग्रहण कर लेगी। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, चयनात्मक। चयनात्मक का मतलब जो कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ है उस आवश्यक पदार्थ को वो अंदर आने देती है, अनावश्यक पदार्थों को अंदर नहीं आने देती। जबकि अर्ध पारगम में क्या होता है, चाहे आवश्यक हो चाहे अनावश्यक पदार्थ हो, अगर छिद्र में से होकर पार हो रहा है तो वो अंदर आ जाएगा, छिद्र में से होकर पार नहीं हो रहा है तो वो अंदर नहीं आएगा। दोनों का मतलब समझ में आ गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब और चयनात्मक जो है उसका क्या मतलब। तो कोशिका झिल्ली जो है वो कैसी होती है, चयनात्मक अर्ध पारगम झिल्ली होती है। क्लियर। उसके बाद में और देखते हैं यहां पर कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन होते हैं यहाँ पर, जो प्रोटीन जो होगा वो तो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, यहाँ पर लीन
ये तो कौन सा प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है यहाँ पर, और लिपिड जो है यहाँ पर, ये लिपिड जो है, ये लिपिड की बात करते हैं तो ये फॉस्फोलिपिड होता है यहाँ पर, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं यहाँ पर, तो लिपिड जो होता है यहाँ पर जो किससे बनेगा यहाँ पर, ये जो होता है ये इसका ऊपरी भाग होगा जिसको ग्लिसरॉल होता है, और ग्लिसरॉल जो होता है ये भाग, तो क्या ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल से कौन जुड़ा होता है, फैटी एसिड, और फैटी एसिड के भी कितने अणु जुड़े होते हैं, दो अणु जुड़े होते हैं, इसके कितने अणु जुड़े होंगे यहाँ पर, दो अणु, तो ये जो है ये क्या है, फैटी एसिड, फैटी एसिड जो है, तो ये ग्लिसरॉल वाला भाग जो है ये तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, जल रागी भाग, जल रागी, और ये होता है जल विरागी भाग, ये क्या होगा, जल विरागी भाग होता है, तो इससे ये जो लिपिड जुकाणु जो है इससे अगर फॉस्फोलिपोस्फेट जुड़ जाता है तो ये हो जाता है फॉस्फोलिपिड, तो ये तो इसका कौन सा भाग हो जाएगा, हेड भाग, ये तो इसका सिर भाग हो जाएगा, और ये इसका कौन सा भाग हो जाएगा, पुच्छ भाग, ये कौन सा भाग हो जाएगा, पुच्छ भाग, तो पुच्छ भाग जो है ये तो कौन सा भाग है, जल विरागी भाग है, और जो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, इसका सिर भाग बनाते हैं, और सिर जो होता है वो कैसा भाग होता है, जल रागी भाग होता है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन जो होती है वो तो कौन सी होती है, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन भी आगे अपन पढ़ेंगे जब संरचना पढ़ेंगे, निकोल सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल था कोशिका झिल्ली से रिलेटेड, उसमें दो प्रकार की प्रोटीन होगी उसके बारे में, यहाँ पर लिपिड जो है वो किसके रूप में होगा, यहाँ पर अपन अभी बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली बनी हुई किसकी है, तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो प्रोटीन जो होगा वो कौन सा होगा, अल्फा ग्लोबुलिन, और लिपिड जो होगा यहाँ पर वो कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड के रूप में, फॉस्फोलिपिड का मतलब एक तो लिपिड का अणु यहाँ पर कैसे बनेगा, ग्लिसरॉल मिल फैटी एसिड से, और जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये फॉस्फोलिपिड का निर्माण होता है, तो यहाँ पर जो सिर भाग जो होता है इसका जल रागी भाग होता है, और पुच्छ भाग जो होता है वो कैसा होता है, जल विरागी भाग होता है, तो ये समझ में आ गया, चयनात्मक का मतलब क्या होता है, कोशिका अपने अंदर आने वाले पदार्थों का चयन करती है, क्या करती है, कोशिका अपने अंदर आने वाले पदार्थों का क्या करती है, चयन करती है, अर्थात जो पदार्थ कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं उन्हीं पदार्थों को क्या करेगी, अंदर आने देगी, और जो कोशिका के लिए पदार्थ आवश्यक नहीं होते हैं उन पदार्थों को अंदर नहीं आने देगी, क्लियर। उसके बाद में प्रोटीन कौन सी है, यहाँ पर अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, और उसके बाद में लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड के रूप में, तो यहाँ पर जो हेड भाग जो है वो तो किससे बनता है, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट से, और जो पुच्छ भाग बनता है वो फैटी एसिड के कितने अणु हैं, दो अणु, कितने अणु हैं, ये दो अणु जुड़े होते हैं, और ये कैसे होते हैं, जल विरागी भाग होते हैं, इनकी व्यवस्था देखेंगे, क्योंकि जब सिंगर और निकोलसन ने जो कोशिका झिल्ली का मॉडल प्रस्तुत किया तो उसने क्या कहा था कि जो लिपिड जो है वो किसके रूप में पाया जाता है, बाइलेयर के रूप में, और उसके बीच बीच में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन भी कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होती है, एक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन और इंट्रेंसिक प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन और एक समाकलन प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन होती है। तो कोशिका झिल्ली जो थी, उस कोशिका झिल्ली की बात है ये। उसके बाद में जो कोशिका झिल्ली जो है उसके मॉडल को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्या दिया, मॉडल प्रस्तुत किया। अभी हम बाद में यहाँ पर जो पढ़ेंगे अपन, सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडल है वो है सिंगर और निकोलसन का मॉडल।
तरल मोजेक मॉडल जो दिया था सिंगर और निकोलसन ने, उसी तरल और मोजेक मॉडल को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर?